बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं हूं मोहम्मद यासीन खान। और बहुत शुक्रिया आपने इस वीडियो को क्लिक किया। और जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर जो है मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पाकिस्तान बाइकर्स दे रहा हूं। और अभी तक अपनी बाइक तो आई नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अपने टूर्स भी स्टार्ट होंगे। लेकिन इस वक्त में पाकिस्तान के जो सीनियर्स बाइकर्स हैं, जो और इस तरह के जो बाइकर्स हैं जो पाकिस्तान में बाइकिंग का काम कर रहे हैं, तो उनके मैं तारुफ करा रहा हूँ, बता रहा हूँ उनके बारे में। तो आज जिस बाइकर के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन साथ में प्रेस कर लीजिएगा, ताकि और इससे जो नोटिफिकेशन आते रहेंगे, आने वाली जितनी वीडियोज हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज के जो बाइकर हैं इनका ताल्लुक कराची से है और इस वक्त करेंटली वो कनेक्ट हैं कराची में एक बहुत बड़ी बाइकर क्लब है जिसका नाम है पार्क बैग्स, उसके साथ हैं। नाम है इनका राफे खान, 31 साल के हैं और तकरीबन काफ़ी अरसे से बाइकिंग कर रहे हैं। शौक था, पैशन था, पूरी इन्फॉर्मेशन खुद देंगे। थोड़ी सी डिटेल में दे रहा हूँ, उसके बाद हम कट करेंगे और जाके उनसे पूछेंगे और वो खुद अपने बारे में बताएंगे। जनवरी 2019 से उन्होंने पार्क बैग्स को ज्वाइन किया और उसके बाद बहुत लॉन्ग टूर्स किए, शॉर्ट टूर किए, अंदरून सिंध, पंजाब, नॉर्दर्न एरियाज, एक लंबी लिस्ट है। अगर मैं बताना शुरू करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए बस थोड़े को ही ज़्यादा समझिए और वो खुद अपने उससे भी बताएंगे। तो फाइनली इतने बाइक टूर्स करने के बाद, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट के बाद, पार्क बैग्स के जो CEO हैं सलमान जफर साहब, उन्होंने फाइनली अभी दिसंबर यानी करेंटली महीने में 2020 में उनको वार्डन के पोस्ट पे कर दिया। या वार्डन क्या होता है, फिर किसी और वीडियो में इन डिटेल बताऊँगा कि वार्डन्स क्या होते हैं जो क्लब्स में होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी क्या होती है, कैसे होता है, क्योंकि जब तक मैं खुद उसको प्रॉपरली नहीं समझ पाऊँगा आपको कन्वे नहीं कर सकता। तो वार्डन क्या होता है वो कभी फिर राफे से इंटरव्यू करेंगे फेस टू फेस बैठ के, तो डेफिनेटली उनसे पूछेंगे कि वार्डन्स की ड्यूटियाँ क्या होती हैं और कैसे होती हैं। तो चलिए आइए चलते हैं राफे की तरफ और राफे बताएंगे अपने बारे में कुछ चीज़ें और इन्फॉर्मेशन के वो क्या, कैसे, क्यों गए और क्या करते हैं, सब चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे। मैं अपनी इससे मतलब मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज कि जब भी आप बाइक चलाएं सेफ्टी का बहुत ख्याल रखें, हेलमेट ज़रूर पहनें, सेफ्टी गियर्स इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनते हैं, तो जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो बिल्कुल हेलमेट पहने और उसके बाद ड्राइव करें, बस ये मेरा पैगाम है। फिर से कह रहा हूँ, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त और चलते हैं राफे की तरफ कि राफे हमें क्या बता रहे हैं अपने बारे में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और मेरा ताल्लुक कराची से है और एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता हूँ। बाइक टूरिंग का शौक मुझे शुरू से था, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। सोशल मीडिया पे फिर मैंने पार्क बैग का जो ऐड देखा टूरिंग का, तो फिर उनके साथ मेरा पहला टूर हुआ रनीकोट का। पार्क बैग को मैंने ज्वाइन किया तकरीबन 2019 जनवरी में। पार्क बैग के साथ मेरा पहला टूर रनीकोट का था और उसके बाद फिर मुझे अंदाजा हुआ कि बाइक पे टूरिंग किस तरह होती है। तो इस तरह फिर मैंने पाकिस्तान टूर किया बाइक पे पार्क बैग के साथ। फिर मैं सोलो टूर करता रहा ताकि एक्सपीरियंस गेन हो। सोलो टूर मैंने अंदरून सिंध और पंजाब के किए ताकि मुझे एक्सपीरियंस गेन हो कि मतलब किस तरह टूरिंग अगर मैं अकेला करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। पाकिस्तान में अब तक जहाँ जहाँ मैं गया हूँ बाइक पे, उसमें कराची से गिलगित है, मुंदा है, पंजाब बॉर्डर तक मैं गया हूँ, और उसके अलावा फिर तेरी मंगल अफगान बॉर्डर और वजिस्तान से होता हुआ वापस करा। लोगों की नज़र में टूरिंग एक महंगा शौक है, लेकिन मोटरसाइकिल से आप इसको एक लिमिटेड बजट में कर सकते हैं। नए हजरात जो टूर का शौक रखते हैं उनके लिए यही मैसेज है कि वो प्रॉपर सेफ्टी गियर्स के साथ ट्रैवल करें। ट्रैवलिंग करते करते इतना एक्सपीरियंस गेन हो गया है कि अभी रिसेंटली मैं अपने ग्रुप पार्क बैग्स में एज अ वार्डन प्रमोट किया गया हूँ। आज मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तान को विजिट करें, उसको एक्सप्लोर करें, काफ़ी जगहें ऐसी हैं जो काफ़ी लोगों ने नहीं देखी हुई हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि आप बाइक पे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें, वो एक नया एक्सपीरियंस भी होगा आपके लिए और एक अच्छा पैगाम भी जाएगा दूसरे मुल्क।